नीमराना कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 65वीं जिला स्तरीय 3 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता 17 से 19 वर्ष छात्र छात्रा के प्रतियोगिता में अलवर जिले भर से 98 विद्यालयों के 225 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में 30 अक्टूबर को कार्यक्रम का समापन किया गया। राज्य स्तर पर चयन हुए छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नीमराना एडिशनल SP गुरुशरण राव, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजकुमार यादव, नोडल प्रभारी लीला राम, प्रिंसिपल दिनेश कुमार, श्री श्याम स्कूल से राजेश कुमार, नव आदर्श विद्यालय के चेयरमैन सतीश यादव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के प्रिंसिपल नरेंद्र सिंह चौहान ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुरुशरण राव ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे प्रतिभागी अपना हुनर तराश कर अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। आजकल लड़कियां भी लड़कों से आगे है, हर क्षेत्र में लड़कियां परचम फहरा रही है। ग्रामीण लड़कों और लड़कियों में फर्क नहीं समझे, उनको आगे आने का अवसर देकर उनका हौसला अफजाई करे। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में पहले दिन महात्मा गांधी 17 वर्ष की शैली कुंवर पुत्री पवन सिंह ने पहला स्थान प्राप्त किया। वह 69 किलोग्राम में प्रिया यादव पुत्री रूपचंद यादव ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। मंच संचालन अनिल यादव व मनोज यादव ने किया। इस अवसर पर कुश्ती कोच मुख्य निर्णायक सतवीर यादव, खेमचंद चौधरी, युवा नेता रिंकू बड़चीवाल, हनुमान सिंह, कालू खान, दयानंद यादव, रामकिशन यादव, सुनील यादव, मनोज शर्मा, निधि यादव आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम जुजवान है और मेरा 17 कैच में राज्य स्तर में चयन हुआ है। मेरा नाम ध्रुव महलावत है, मेरा बाढ़ में टीसी में राज्य स्तर पर सिलेक्शन हुआ। मेरा नाम अक्षय यादव है, मेरा पहले नंबर पे 110 kg वेट में हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। नहीं, ग्वालता ने और 17 वर्ष में चांदोली ने इनकी चैंपियनशिप है और पूरे जिले से बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ियों ने भाग लिया और मैं सोचता हूँ कि जो यहाँ से जीत के जा रहे हैं वो स्टेट में भी अपना नाम रोशन करेंगे जिले का और बहुत ही अच्छा आगे काम करेंगे, बहुत अच्छे परिणाम देंगे आगे।